आखिरकार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अब इंदौर शहर भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। देश भर में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होना है। उसके पहले ही मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में खुशियों की पहली खेप बुधवार शाम करीब 4:25 पर पहुंच गई है। बता दें, इंदौर शहर में इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E5374 से वैक्सीन को उतारने के बाद कड़ी सावधानियों के साथ वैक्सीन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं इंदौर शहर में 5 केंद्रों को लॉन्चिंग सेंटर बनाया गया है। इसी के तहत शहर के 26,400 स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 13 बॉक्स आए हैं और 1,52,000 डोज जो है उज्जैन इंदौर संभाग दोनों के लिए आए हैं। 8 जिले इंदौर के हैं, 7 जिले जो हैं उज्जैन के हैं। टोटल 15 जिलों के लिए 1,52,000 डोजेस आए हैं। ये अलग अलग बाइफर्केशन स्टेट से आया है, अलग अलग बाइफर्केशन स्टेट से और अलग अलग जगह अलग अलग डोजेस जाएंगे अकॉर्डिंग टू बेनिफिशरीज। देखिए, ये जो हमारे पास डोज आए हैं 1,52,000 जो आए हैं, तो इसका अपन आधा कर ले में, तो आधा जो है डोज पहले पहला फेज में लगेगा और जो बची हुई है रिमेनिंग जो हमारी रहेगी वैक्सीन, वो हम सेकंड डोज जो 28 दिन बाद लगेगा उसमें लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।